कहाँ लेकर जा रहे हो? Shut up. और कितनी देर आंख बंद करके बैठू मैं? चुपचाप बैठो, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? अब तो आंखें खोलूं? जब मैं कहूं तब आंखें खोलना। अब अपनी आंखें खोलो। ये तो वही जगह है जब हम स्कूल जाते वक्त यहाँ बैठा करते थे। कितना बदल गया है ना सब। यहाँ बैठकर हम फल खाया करते थे ना। ये तो मैंने लगाया हुआ पेड़ है ना। हाँ बेटी। अरे चाची आप, इस लड़के ने गाय और बकरियों से बचाकर इसे पानी देकर इसकी निगरानी की और तुमसे बिछड़ने के बाद यहाँ रोज आया करता था। ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे क्यों मार रही हो, लगता है विनी। पापा। आप क्या सोच रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटी, तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या पापा? तुम्हें अपना रिसर्च कंटिन्यू करना होगा, ट्रस्ट को एफिशिएंटली चलाना पड़ेगा, किट्टू का भी ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं पापा? पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है मैं जल्दी तुम्हारी माँ के पास चला जाऊंगा बेटी। वादा करो बेटा, वादा करो। पापा आप यहाँ हो? चलिए ना पापा, टेनिस खेलते हैं, टाइम हो रहा है। मैंने कैसा खेला आज? अच्छा खेला ना किट्टू? हाँ पापा? तुम बहुत अच्छा खेलते हो। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बैक हैंड। बैक हैंड स्ट्रोक होता है ना, हाँ? उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। पापा लॉरी। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, he'll be all right. और पापा, I'm sorry. पापा, मैं किट्टू का अच्छे से ध्यान रखूंगी, सारे काम भी अच्छे से संभालूंगी, अपनी सारी लाइफ रिसर्च के लिए डेडिकेट कर दूंगी पापा। इट्स माय वर्ड ऑफ ऑनर। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक मल्होत्रा, योर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस। बिफोर वी टेक अप द क्लास, आई वांट टू शो यू हाउ वास्ट एंड हाउ डीप इज द स्पेस। They have crossed innumerable clusters of stars, binary stars, red chains, white dwarfs, black holes, galaxies. अब तक हमने 130 करोड़ सालों का सफर तय कर लिया है। ये ब्रह्मांड कितना विशाल होगा हमारी सोच से भी परे है। इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर और अंतहीन कोई और है क्या? है, वो हमारे अंदर ही है। मन, ये हमारे भाव और जीवन का मूल कारण है। ये तरह तरह की ध्वनि से, रुचि से, सुगंध से इस सारे विश्व को हमें दिखाता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। कारण, रुचि, रंग, ध्वनि, स्पर्श, सुगंध कुछ भी नहीं है उसमें।
सर, मन को जानने का कोई रास्ता नहीं है? है, स्वच्छ तालाब में एक पत्थर फेंकने से जैसे हलचल होती है, उसी तरह हमारे मन में आने वाले हर विचार भाव तरंग के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टीटा वेव्स कहते हैं। इन सब के अलावा इसका एक मदर वेव भी होता है। अगर हम उस मदर वेव को देख पाएं या उसे तौल पाएं, तो उसकी मदद से हम हमारे मन के अंदर झांक सकते हैं। आप में से कभी भी किसी को भी अपने दोस्तों के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में सोचते वक्त अचानक से उस इंसान के पास से फोन आना या खुद उस इंसान का आ जाना, ऐसा कभी हुआ है? Yes, sir. Do you think it's a pure coincidence? No, it's not a coincidence. आप जब उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके भाव तरंग उनके मन को छूते हैं, इसी वजह से उनका आपके पास आना या उनके फोन कॉल्स आते हैं। इन ब्रेन वेव्स के बारे में जानने से हमारा क्या फायदा होगा सर? A very relevant question. Everybody listen to it carefully. कोई भी इंसान उनके जन्म से हैवान या शराबी नहीं होता, लेकिन हालात की वजह से वो इंसान बदल जाता है। ऐसे इंसान के भाव तरंग को अगर हम देख पाए या तौल पाए, तो उसके मन की बातों को हम जान सकते हैं। उसके मन के भीतर हुए बदलाव को अगर हम पहचान पाए, तो उसके हालात को बदलने का मौका मिल सकता है। With this, we can find ways of treating any of the psychological disorders. इंसान के भीतर चाहे जितनी मानसिक बीमारियां हों, उसका इलाज हो सकता है। अल्कोहल, ड्रग्स, ऐसी चीजों से एडिक्ट हुए लोगों को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। ब्रेन वेव्स को देख सकते हैं सर? Not till now. But many of the scientists are doing a great deal of research to find such an instrument. Even I am working on the same thing. भगवान की दया से जल्द ही मेरी मेहनत रंग लाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। और ऐसा होगा भी। Thank you, thank you, thank you. इसकी हालत में काफी सुधार है। विनी? गौतम, क्यों रो रही हो? मुझे अर्जेंटली तुमसे बात करनी है। हम जहां मिलते थे वहां आ जाओ। एंड्रिया इज माय क्लासमेट, शी इज अ लेस्बियन। क्लासरूम में मेरे साथ मिसबिहेव करती थी, किसी भी बहाने से मुझे फिजिकली हमेशा टच करने की कोशिश करती थी। कितनी बार भी समझाने के बाद समझती ही नहीं थी। प्रिंसिपल को बोला मैंने तो मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लग गया। पूरे क्लासरूम के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और उसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और मुझे लगा कि उससे मुझे छुटकारा मिल गया और वो पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गई है और घर पर आकर पागलों की तरह हरकतें करती है। विनी को आंख उठाकर भी देखा तो मार डालूंगा। हे गौतम, कब आए तुम? अभी आया। अब तुम्हें एंड्रिया से कभी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच गौतम। आई डोंट नो हाउ आई कैन थैंक यू एवर फॉर दिस। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए गौतम।
क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ ना। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? एक महीने से एंड्रिया तुम्हें परेशान कर रही थी, और इतना टॉर्चर तुमने क्यों झेला? मुझसे क्यों छुपाया? अरे कल हमारी शादी हो जाएगी, तब भी मुझसे छुपाओगी? गौतम। सॉरी सॉरी, आई थिंक आई क्रॉस माय लाइन, आई एम सॉरी। नो गौतम, नो, इट्स ओके, रिलैक्स गौतम। हमारे बीच लाइन क्रॉस करने जैसा कुछ भी नहीं है। आई नो, बचपन से ही हम साथ में ही पले बड़े हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और प्यार शादी में, ऐसा मैंने भी बचपन से ही सोचा था। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो गौतम। लेकिन पापा के गुजरने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। पापा से किया हुआ वादा मुझे निभाना है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ पापा से किए हुए वादे के अलावा और किसी के लिए टाइम नहीं है। मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।